बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डीजे स्किल्स के बारे में हल्का से इसका डैशबोर्ड और इसकी जो होम पेज और सारी चीज़ें, इसको मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि आप कितने परसेंट मार्क्स लेकर या कितने क्विज, कितने एक्सरसाइज सॉल्व करके ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल बटन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हमें पता चलता रहेगा कि कौन कौन हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। हमें सपोर्ट मिल आप एक किस्म का सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके इस तरह की वीडियोज़ लाते रहें। जी दोस्तों, तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। जिस तरह मैं आपको अभी बता रहा था, अभी जो है ना, आज के दिन बैच नंबर 5 की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं एनरोलमेंट्स को, आपने क्या करना है। जब आप सारी डिटेल, पिछली एक वीडियो है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेशक। आप जब अपना सारा इंफॉर्मेशन लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक पेज नज़र आ रहा होता है, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो बैच नंबर 5 के लिए मैंने दो और जो तैना कोर्सेज वो इनरोल किए हुए, आपने क्या करना है, आपने अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपने एक फ्री लांसिंग को करना होता है, ये जो फ्री लांसिंग है इसको करना होता है आपने, और उसके साथ आपने एक अपनी मर्जी का करके उसको सेव करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं है तो फिर आपको पता होता है डिटेल क्या चीज़ है, और उसमें फिर आप अपनी मर्जी के कोई से दो लेक्चर्स करके, दो कोर्सेज करके आप उसको सेव करते हो तो आपके सामने उसका सक्सेसफुली सेव ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके सामने कि आपकी एनरोलमेंट सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात थी। उसके बाद मैं आपके साथ जो मेन पेज है वो डिस्कस करता चलता हूँ कि उस जो मेन पेज पर आपका होम पेज है उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी। जिस तरह आपको मैंने बता दी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्री लांसिंग मैंने एक इनरोल किया था वेज नंबर 4 में डिजिटल मार्केटिंग, जिसके 9 9 वीक हो चुके हैं और कल से इंशाल्लाह वीक नंबर 10 स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये बाजा टाइप जिस तरह स्पीकर होता है, ये आपका होता है जी नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और ये जो आपका है इसमें आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके जो काम होते हैं, जो कोर्स होते हैं, जो वीडियो आपने देखनी होती है वो यहाँ से देखनी होती है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी लिस्ट खुल जाती है एक, इस तरह देख सकते हैं दोस्तों आप। ये जो वीक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ये हो चुके हैं, सही। अब जो ग्रीन है ना, इसका मतलब है कि ये अभी प्रेजेंट वीक है, और इसमें फिर आप जब ग्रीन होते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की वीडियोस आ जाती है। अब देख सकते हैं आप ये वीडियोस, इस पर ग्रीन कलर का टिक का निशान लगा, इसका मतलब है कि ये वीडियोस मैं वॉच कर चुका हूँ। ठीक है, अगर इसमें से कोई वीडियो रेड कलर में होगी या इस पर क्रॉस लगा होता है रेड कलर में हो, इसका मतलब ये वीडियो मैंने वॉच नहीं किया अभी तक। और हर वीडियो के साथ उसका ड्यूरेशन दिया होता है, सबसे टॉप पे दिया होता है उसका टोटल ड्यूरेशन 1 1 घंटा 40 मिनट और 26 सेकंड, और हर वीडियो का होते 6 7 5 3 जितने भी मिनट की वीडियो होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल नीचे तक। उसके बाद ये 3 वीक से भी रहते हैं, जिसमें जो वीक नंबर 10 है उसमें एक्सरसाइज होगा, वीक 11 में क्विज और वीक 12 में इस तरह लास्ट वीक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी वीडियोज़ का। उसके बाद हम इस पर बात करते हैं जो मैं आपसे स्टार्ट में की थी कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लेने होते तब आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, आपके होते हैं जी वीडियोस होती है आपकी तकरीबन 18 17 18 वीडियोस होती है। अगर आप उन वीडियोस को भी वॉच कर लेते हैं तो आपकी हो जाती है 60%। 25% जो है वो आपके क्विज होती है, 10 MCQs होते हैं तकरीबन, एक हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते आपने जो वीडियोज़ देखी होती है उनके आसान आसान सवाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, एक आपने एक्सरसाइज दिया जाता है, आपने वो सारा नेट से ढूंढ के अपने जो अपने सीखा होता है वो सारा करके उसको कंपाइल करके सारा अपलोड करना होता है, उस पर भी मैं आपके साथ बात करता हूँ अभी। तो ये 20 टोटल आपको 60% चाहिए होते हैं मार्क्स के आपको ई सर्टिफिकेट मिले, यानी कि अगर आप सिर्फ वीडियोज़ भी कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हशाम सर्वर है जी फ्री लांसिंग के। इसके बाद आगे हम और बात कर लेते हैं इसके कि आपने एक्सरसाइज को कैसे देखना है, उसके बाद और क्विज़।
अच्छा, इसके बाद जब नीचे आते हैं तो हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आपकी एक्सरसाइज आ चुकी है तो यहाँ पे जो है ना एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है, और उसमें आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। 3 एक्सरसाइज अभी तक हो चुके हैं बैच नंबर 4 में, जिसमें मेरे तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 नंबर आ चुके हैं, और यहाँ से भी देख सकते हैं 10-10 नंबर आ चुके हैं मेरे। तो आपके जब एक्सरसाइज आते हैं तो यहाँ पर एक डाउनलोड, आपको एक फाइल दी जाती है, एक्सरसाइज फाइल होती है, आपने इसको डाउनलोड करना होता है, उसमें सारी डिटेल होती है, उसको पढ़ के आपने फिर एक्सरसाइज तैयार करना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपनी क्विज़ की तरफ। क्विज़ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्विज़ किस तरह हुआ था और कितने नंबरों का होता है ये पूरा क्विज़ जी। ये क्विज़ जो है ना, यहाँ पर भी अगर आपके क्विज़ आ जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, यहाँ पर लिखा होता है 1 क्विज़ पेंडिंग, 2, 3 जी। देख सकते हैं आप फ्रीलांसिंग के ये तकरीबन 10 मार्क्स का होता है एक क्विज़। 3 क्विज़ हो चुके हैं जिसमें 8, 9 और 10 नंबर मेरे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर भी 5, 8 और 7 नंबर मैंने लिए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा फोकस मैंने नहीं किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा हुआ। वैसे इजी होता है, मैं आपको वीडियोस बना के दिया करूँगा इस पर, उसमें आपको इंशाल्लाह घबराने की जरूरत है, बेशक बेताशे वीडियो मैंने बनाई है डिजी स्किल्स पर। आप अगर मेरे चैनल को विजिट करें तो आपको सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पर डिजी स्किल्स से रिलेटेड ही मिलेगी। उसके बाद आपका यहाँ पर होता है प्रोग्रेस टाइम लाइन और माई रिजल्ट। रिजल्ट जो होता है वो आपका जब कोर्स कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद आता है, और प्रोग्रेस टाइम लाइन आप अभी हम देख सकते हैं आपका जो प्रेजेंट, आपने जितने भी काम किया होता है उसका टाइम बनता है। जिस तरह आप देख सकते हैं डीजी स्किल्स का मेरा 74, अभी मेरे मार्क्स है 74, और 60 चाहिए होते हैं, इसका मतलब है कि मैं सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। उसके बाद फ्रीलांसिंग का देख लेते हैं, 73 नंबर है मेरे इसमें अभी तक, और 3 वीक्स रहते हैं, यानी कि मेरे 85 से 90 तक जाने के चांसेस हैं, तो अभी भी मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तो हो गया सारी चीज़ें, ठीक है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद रहती है बात कि आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं 2 क्विज़ एक्सरसाइज सबमिट करा चुका हूँ, एक नहीं, उसके बाद क्विज़ मैंने 3 अटैम्प्ट किए हैं। ये आपकी सारी डिटेल आ रही होती है कि आपने कितनी वीडियोस कितने हफ्ते किस हफ्ते में देख चुके हैं। तो बहुत सिंपल से है, इसके मोबाइल एप्लीकेशन भी अगर आप प्ले स्टोर पर चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, और आप वहाँ से उस पर एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद बाकी तो इसमें मेरे ख्याल में, और प्रोफाइल आप देख सकते हैं, अपनी आपने अपनी तस्वीर को लगाना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे लॉगिन करते हैं तो आपकी तस्वीर नहीं होती, अपनी तस्वीर को भी यहाँ पे तस्वीर एडिट करनी होती है, जो भी तस्वीर आपने लगानी है। और बाकी अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं, अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ लॉग आउट और प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी जीमेल और बैच 4 या जो भी बैच होगा आपका उसकी डिटेल आ रही होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को लाइक करने और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको डीजे स्किल से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज क्विज और जितनी भी अपडेट्स आएंगी उनके सारों की वीडियोज़ देता रहूँगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।